Let us start the topic, guys. Good morning to all of you guys. This is PSB going to tell you something about simple present tense. आज के एपिसोड में लुक आई एम बैक विथ गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज के एपिसोड में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस होता क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं. हमने पढ़ा था टेंस होता क्या और टेंस कितने प्रकार के होते हैं. आज हम पढ़ेंगे पहला टेंस जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. तो चलिए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है. हर टेंस के डिफिनेशन में हम चर्चा करेंगे द टेंस दैट डिनोट्स. द टेंस दैट डिनोट्स एक्शन व्हिच इज डन. एक्शन व्हिच इज डन habitually or usually in the present is called simple present tense. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये, क्योंकि 30% सेंटेंस जो होता है वो आपके हर दिन प्रतिदिन जो बोलते हैं उसमें से 30% सेंटेंसेस जो बोला जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है. तो इसके डिफिनेशन को हम थोड़ा सा इसके हिंदी को जान लें कि आखिर में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है. क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं बी ए गुड लिसनर, अपने आप को एक अच्छा श्रोता बनाए, क्योंकि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है. द टेंस दैट डिनोट्स, आपके हर एक टेंस में मैं इस लाइन की चर्चा जरूर करूंगा. आज भी मैं कर रहा हूं और आपके अंतिम टेंस तक हम ये चर्चा करेंगे. द टेंस दैट डिनोट्स काल जो बताता है कि एक्शन व्हिच इज डन, जो कार्य किए जाते हैं. एक्शन व्हिच इज डन का मतलब होता है जो कार्य किए जाते हैं, और हैबिचुअली का मतलब होता है आदत, और का मतलब होता है या, और यूजली का मतलब होता है अक्सर, और इन द प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, और इज का मतलब होता है और कॉल्ड मतलब कहा जाता, और सिंपल का मतलब होता है सामान्य, और प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और टेंस मतलब होता है काल. अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा काल जो बताता है, क्या बताता है, कि कार्य अक्सर या आदतन किए जाते, जिस काम को करते करते हमको आदत पड़ गई हो, जिस काम को हम बार बार करते हैं, डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसे बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे बोलते हैं I teach English, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं. अंग्रेजी पढ़ाने का क्या है, मेरा आदत है, हम डेली करते हैं ये. अर्थात ये आदतन अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. कभी भी आप देखिए कि किसी आदत पर गई हो जिस काम को करते, जैसे कहते हैं कि वह कार चलाता है, He drives a car, वह कार चलाता है, यह सेंटेंस कैसा है, कार चलाने का उसका क्या है, आदत, आदतन अक्सर. जैसे मेरे पिताजी चाय पीते हैं, माय फादर टेक्स टी, मेरे पिताजी चाय पीते हैं, चाय पीने का मेरे पिताजी का क्या है, आदत है, अक्सर करते हैं इसका. आदतन या अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं. प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं. अपने दिमाग में ठूस डालिए, अगर भूसा है तो उसे निकाल डालिए दोस्तों. द टेंस दैट डिनोट्स, द टेंस का मतलब होता है काल, दैट मतलब जो, डिनोट्स मतलब बताता है, एक्शन मतलब कार, व्हिच मतलब जो, इज डन मतलब किया जाता है, हैबिचुअली का मतलब होता है आदतन, और का मतलब होता है या, यूजली का मतलब होता है अक्सर, और इन द प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में. इन द प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में, इज मतलब है और कॉल्ड मतलब कहा जाता है, समान वर्तमान काल कहा जाता है. तो इसको सही लहजे में कैसे कहेंगे, अपनी अल्फाजों में ऐसे बयां करेंगे दोस्तों, वर्तमान में आदतन या अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे आई किक, अगर मैं लात से मारता हूं तो बोलूंगा मैं आई किक, क्योंकि लात से मारने का क्या है, आदत है. मैं चलता हूं क्या हो गया, आदत हो गया. मैं चलता हूं क्या हो गया, आदत हो गया, चलने का आदत हो गया, इसलिए कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आई वॉक बोलेंगे. मैं काम करता हूं, काम करने का क्या है, आदत है. मैं देखता हूं, देखने का क्या है,
आदत है, मैं बैठता हूं बैठने का क्या आदत है, तो जिस काम को करते करते हमको आदत सी पड़ गई है, जिस काम को बार बार करते हैं उसे बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे बताने के लिए V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका रूल जो होता है, इसके ट्रांसलेशन बनाने का रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम सब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे राम अगर है, राम सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर किड्स, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं नाउन या अपोजिट है, सिंगुलर प्लुरल जो हम नाउन का बनाते हैं तो हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं बॉय, बॉय हो गया सिंगुलर, ये नाउन है, इसका प्लुरल बनाएंगे तो हो जाएगा बॉयज, एस आई एस लगा करके नाउन का क्या होता है, सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में अलग होता है, वर्ब प्लुरल अवस्था में पहले ही रहता है, ओरिजिनल रूप में वर्ब कैसे रहता है, प्लुरल रहता है, उसका सिंगुलर बनाते हैं हम एस और ई एस लगा करके, ये हो गया आपका प्लुरल हो गया और इसका क्या बनाते हैं हम, सिंगुलर। तो जिस वर्ब में याद रखिएगा आप लोग कि सिंगुलर वर्ब हो गया, ये जिस वर्ब में एस और ई एस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब होता है, जिस वर्ब में एस और ई एस नहीं लगा हो वो क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता है, अर्थात ओरिजिनल वर्ब जो होता है वो प्लुरल होता है, ओरिजिनल अवस्था में जो रहता है वो प्लुरल होता है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाते हैं तो एस और ई एस लगा देते हैं। तो सिंगुलर का क्या मतलब, जिससे एक का बोध, और एक का बोध है तो वर्ब भी एक का बोध कराने वाला वर्ब लगेगा, जैसे राम है तो राम को कहने से एक का बोध हो रहा है, तो इसके साथ इट लगाएंगे या इट्स, इट्स लगेगा क्योंकि इट्स यहां पर सिंगुलर है, इट क्या है, प्लुरल है, तुम लोग जाते हो तो तुम लोग प्लुरल हो गया तो प्लुरल वर्ब लगेगा, यहां पर तुम लोग जाते हो क्या होगा, यू गो होगा, क्यों, यू जो है एक से अधिक लोगों को बोध करवाता है, यू का मतलब होता है तुम लोग, और तुम लोग जब तुम लोग आ गया तो यहां पर गोज नहीं लगेगा, गो लगेगा, क्योंकि गो जो है ज्यादा लोगों को बताता है, ज्यादा लोगों को जाने का बोध कराता है, एक लोग जाए, एक व्यक्ति जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाए, ए मैन गोज, एक आदमी जाता है, अब बहुत सारा आदमी जाता है तो मेरी मैन गो हो जाएगा, गोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है और प्लुरल के साथ प्लुरल लगता है, ठीक है। और इसका तो ये रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब भी लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। प्लुरल किसको कहते हैं, जो एक से अधिक का बोध करवाता, सिंगुलर किसको कहते हैं, जो एक को बोध करवाता, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके पहचानने का तरीका जो होता है सिंबल, एस वाई एम बी ओ, सिंबल पहचान कैसे होता है, क्रिया के साथ ताहती है, क्रिया के साथ ताहती है और ती है, अगर किसी वाक्य में क्रिया के साथ ताहती है लगा रहा है, जैसे मैं जाता हूं ताहू, मैं पढ़ता हूं ताहू, ये लगा रहा है तो समझ लीजिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये तो पहचान हो गया इसका, क्या हो गया, ये पहचान हो गया इसका। दूसरा चीज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं किसको, जो किसी भी समय में वो जो नहीं बदले, जैसे सूरज पूरब में उगता है, आज से उगता नहीं, पहले भी उगता था, अभी भी उगता है और भविष्य में भी उगेगा, पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ इज राउंड होगा, इसका कभी भी ट्रांसलेशन द अर्थ वाज राउंड नहीं होगा, पृथ्वी गोल था का भी ट्रांसलेशन होगा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल होगा उसका भी ट्रांसलेशन होगा द अर्थ इज राउंड, मतलब तीनों समय में अपना रूप नहीं बदलता हो, उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, किसी भी परिस्थिति में वो अपना रूप नहीं बदलेगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सच्चाई को भी बताता, जैसे मैं एक लेखक हूं, सच्चाई है, मैं एक लेखक हूं सच्चाई है, तो क्या होगा, आई एम ए राइटर, या कह सकते हैं ऑथर, आई एम एन ऑथर, मैं एक लेखक हूं, तो ये सच्चाई है, तो ये कौन सा टेंस हो गया,
सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सच्चाई को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट रियलिटी। पेशा को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया, पेशा हो गया। ही इज एन इंजीनियर, क्या हो गया, ये पेशा हो गया। तो पेशा को बताने के लिए, किसी के एज को बताने के लिए, उम्र को बताने के लिए, ही इज 26 ईयर्स ओल्ड या ही इज 26, वो 26 वर्ष का है, तो यह है उसके एज को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सच्चाई को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रोवर्ब को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मनी बिगेट्स मनी, तो प्रोवर्ब को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, ये सब क्या प्रोवर्ब। कहावत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया, आदतन या अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आदत हो गई है, जैसे मैं बाइक चलाता हूं, बाइक चलाने का आदत है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेरे पिताजी कॉलेज जाते हैं, ये क्या हो गया, आदत हो गया। आपकी माँ खाना पकाती है, तो आपके माँ के माँ का क्या आदत हो गया, खाना पकाने का आदत हो गया, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आप बोलते हैं तो बोलने का क्या है, आदत है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आदतन या अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सच्चाई को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, ये सच्चाई है कि मिस्टर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये सच्चाई है कि आई एम ए राइटर, तो ये सच्चाई को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई लड़की अगर डॉक्टर है तो बोलेंगे सी इज ए डॉक्टर, क्या ही सच्चाई। तो सच्चाई को बताने के लिए, रियलिटी को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रोवर्ब को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया आपको, हैड्स यू विन टेल यू लूज, हैड्स आई विन टेल यू लूज, हैड्स आई विन टेल यू लूज का मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर मैं हार भी गया तब भी मेरा ही जीत है, या जीत भी गया तब भी तो मेरा ही जीत है। तो ये प्रोवर्ब को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रोवर्ब और भी बहुत सारे प्रोवर्ब है, जैसे ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून को खून ही पहचानता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिभाषा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि आप दिनचर्या में दिन भर में जितना शब्द बोलते हैं उसमें से 30% वाक्य जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अगर जो बच्चा सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ गया, अर्थात वो अंग्रेजी का 30% वाक्य का ट्रांसलेशन बना लेगा। और ट्रांसलेशन बनाने से पहले अंग्रेजी जिस पर आश्रित है, इंग्लिश इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको कहा जाता है SVO। अंग्रेजी जो आश्रित है किस पर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हिंदी जो आश्रित है जिस पर, उसका उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी का जो स्ट्रक्चर, कोई भी हिंदी का स्ट्रक्चर जो आधारित रहता है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा। लेकिन अंग्रेजी का स्ट्रक्चर जो भी बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह बनता है। पहले सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। अंग्रेजी कोई भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट। हिंदी में अगर कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं राधा आम खाती है, राधा आम खाती है, इसके स्ट्रक्चर को जरा समझिए, तो इस स्ट्रक्चर पर ही आधारित है। हिंदी का कोई भी वाक्य पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। आम ऑब्जेक्ट हो गया, राधा सब्जेक्ट हो गया, खाती है वर्ब हो गया। लेकिन इसको जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे सज जाएगा, ये डेकोरेट ऐसे होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आ जाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे उसको तो पहले सब्जेक्ट तो रहेगा, तो क्या लिखाएगा, राधा लिखाएगा यहां पर, ओके। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब यहां पर खाती है, तो राधा सिंगुलर है, तो इट्स हो जाएगा यहां पर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अभी नियम ने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और आम जो है सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगा, और मैंगो लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राधा इट्स ए मैंगो, राधा आम खाती है। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का फॉर्मूला हो गया। दुनिया का कोई भी अंग्रेजी आधारित होगा, याद रखिएगा इसको, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हिंदी का कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पर बनेगा। अगर हमको अंग्रेजी से हिंदी करना होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। अगर हिंदी से अंग्रेजी बनाना होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, और उसको इस सेटिंग पर सेट कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा करते हैं तो 80% आपको अंग्रेजी आ जाएगी। दिस इज माई चैलेंज, अगर आप ऐसा करते हैं तो, ऐसे समझते हैं तो। स्टॉप।